हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंटर साइंस। कैसे हो? चलो अभी देखो, आज के वीडियो में हम ना पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तुम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पिया है, ओके? जब हम उसकी कैप निकालते हैं ना, उसमें से गैस बाहर आता है। तो वो कौन सा गैस होता है उस बॉटल में, कौन से भी कोल्ड ड्रिंक में, तो कौन सा गैस होता है? तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके बारे में हम आज के वीडियो में स्टडी करेंगे। दैट इज द यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके? तो कौन सा फर्स्ट यूज है कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज यूज इन मेक अरेटेड ड्रिंक। अरेटेड ड्रिंक मतलब जो कोल्ड ड्रिंक होता है ना, उसमें क्या किया जाता है, उसका यूज किया जाता है, ओके? अभी हमने पिछले वीडियो में ये भी स्टडी किया था कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म द कार्बोनिक एसिड, तो यही रिएक्शन इसमें होती है। एंड व्हेन प्रेशर इज रिलीज, देखो हमने प्रेशर से उसके अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड डाला गया। जब प्रेशर कम होता है, मतलब जब हम बॉटल का ढक्कन निकालेंगे, तब क्या होता है, सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप एज अ बबल। बबल के फॉर्म में क्या होता है, वो बाहर आता है, ओके? देन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज इन कोल्ड स्टोरेज। अब आप लोग क्या बोलोगे कि टीचर आपने ही तो बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड तो गैसेस के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ जो सब ये आया वर्ड आया दैट इज सॉलिड। तो दिस कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो प्रेजेंट इन थ्री स्टेट स्टेट दैट इज देखो, गैसियस फॉर्म में भी होता है, सॉलिड फॉर्म में भी होता है जिसको ड्राई आइस बोला जाता है, और लिक्विड फॉर्म में भी होता है। अभी ये जो है गैस अंडर हाई प्रेशर में उसको ड्राई सॉलिड और लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखो दिस ड्राई आइस दैट इज द ड्राई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज इन कोल्ड स्टोरेज टू कीप द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। स्टोर करना है तो इसका यूज करो। अगर इसका यूज देखो कहाँ होता है, एंड फ्रोजन सब्सटेंसेस कूल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। मतलब क्या, अगर आप लोगों को क्या करना है, अपनी मनपसंद जो आइसक्रीम है लेके जाना है, ट्रैवल करना है, 12 घंटे का, 12 घंटे का आपका क्या है, रन है, तो आप फ्रोजन सब्सटेंस मतलब जो आइसक्रीम है, आप लोग बाय द यूज ऑफ दिस ड्राई आइस लेके जा सकते हो और मजा भी ले सकते हो, और एज इट इज रहेगा, ओके? मतलब उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स लेना पड़ेगा, ओके? बिल्कुल कहीं से भी वो टूटा फूटा नहीं चाहिए, बिल्कुल पैक चाहिए, रजिस्टेंस बिल्कुल। और उसके अंदर हमें ड्राई आइस हम डालेंगे, और जो चीज आप लोगों को लेके जाना है, जैसे आइसक्रीम लेके जाना है, तो आप लोग ले जा सकते हो, ओके? दिस इज ऑल्सो यूज फॉर गेटिंग स्पेशल इफेक्ट ऑफ मिस्ट इन ड्रामास एंड मूवीज। देखो आप मूवी में ऐसे धुंधला या कुछ गैस निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, ऐसा देखते हो ना, तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन बाय केमिकल रिएक्शन, जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है ना वो, ये देखो ये तुम लोगों ने सिलेंडर देखे होंगे, कहाँ रहते, ये हॉस्पिटल में रहते, एक स्कूल में होते हैं, ये बड़े बड़े सिनेमा थिएटर्स में भी होते हैं। तो देखो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है विच आर यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी तुम लोगों ने कॉफी भी होंगी, देखा भी होगा और सुना भी होगा। तो देखो लिक्विफाइड CO2, अब देखो यहाँ लिक्विड स्टेट में है, ओके? कार्बन डाइऑक्साइड विच इज यूज टू रिमूव द कैफिन फ्रॉम द कॉफी। अब कैफिन क्या है, कैफिन दिस वन इज द केमिकल विच प्रेजेंट इन कॉफी एज वेल एज इन टी, ओके? अभी तुम लोगों ने चाय या कॉफी पी होंगी, बहुत सारे लोगों को चाय पिए बगैर ना उनका दिन ऐसे अच्छा नहीं, ऐसा लगता है उसको कुछ तो भी भूल गए, ओके? तो चाय पीना बहुत जरूरी लगता है, और चाय पीने के बाद या कॉफी पीने के बाद हमें फ्रेश क्यों लगता है, उसमें जो शक्कर होती है, उसमें जो मिल्क होता है, उसकी वजह से नहीं, तो उसके अंदर जो कैफिन नाम का जो केमिकल है ना, उसकी वजह से हमें वो फ्रेशनेस लगती है। तो जो कॉफी में जो कैफिन है उसको निकालने के लिए लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, कैसे, तो चलो देखते हैं। तो देखो दिस वन इज एब्सॉर्प्शन चेम्बर होता है, और दूसरा जो होता है ना दिस वन इज एक्सट्रैक्शन चेम्बर, ओके? और इन दोनों ही चेम्बर को क्या किया जाता है, पाइप से कनेक्ट किया जाता है। यहाँ से वाटर डाला जाएगा और लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाएगा, और इस चेम्बर में क्या किया जाता है, सोक जो बीन मतलब पानी में सोक किए हुए बीन्स, कॉफी के बीन्स यहाँ डाले जाते हैं, एंड आफ्टर दैट दिस लिक्विफाइड CO2 प्लस कैफीन इकट्ठा हो जाते हैं और उसको रिमूव किया जाता है
कैफीन विथ वाटर, और यहाँ से हमारे डीकैफीनेटेड बीन्स तैयार हो जाते हैं और इसे कॉफी बनाई जाती है पाउडर के फॉर्म में ट्रांसफर करके। ओके अभी देखो, मैं जो आप लोगों को पढ़ाती है ना, पूरे एनिमेशन के साथ है ये। हर चीज हम रट्टा मार के ख्याल में नहीं रख सकते, लेकिन अगर वही चीज हर एक चीज विजुलाइज की गई ना, तो दिमाग में पक्की हो जाती है। ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं। देन एवरीवन कैन नॉट ड्रिंक कॉफी, हर कोई कॉफी नहीं पी सकता। पी नहीं सकता मतलब किसी को एलर्जी होती है। अभी इसके साइड इफेक्ट क्या है, तो किसी किसी को क्या हो, देखो बिकॉज कैफीन कैन कॉज द प्रॉब्लम ऑफ सम इंडिविजुअल, मतलब हार्ट रेट बढ़ाता है, इंसोमनिया, उसके बाद जो रेस्पिरेटरी सिस्टम बराबर वर्क नहीं करती इसकी वजह से, स्टमक एक होता है, स्टमक में इरिटेशन होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम इसकी वजह से बहुत सारे लोग कॉफी पीना नहीं पसंद करते। ओके फिफ्थ यूज है, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज एज अ सॉल्वेंट इन मॉडर्न इको फ्रेंडली ड्राई क्लीनिंग, मतलब इसका यूज ड्राई क्लीनिंग में भी किया जाता है। कैसे, तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्लोथ आर प्लेस इन द मशीन, उसके बाद देन दिस मशीन रिमूव द स्टेन एंड डर्ट फ्रॉम अवर क्लोथ, देन दिस क्लोथ आर रेडी फॉर ड्राइंग, अभी और ड्राई करने के लिए रेडी हो गए। तो क्या किया जाता है, मशीन इज प्रेशराइज, मतलब मशीन के अंदर जो प्रेशर है उसको इंक्रीज किया जाता है, एंड दैट्स व्हाई दिस गैस कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म। अभी ये क्या करता है, दिस लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव द लिक्विड फ्रॉम द क्लोथ, मतलब जो गीलापन है ना वाटर है वो रिमूव करने का काम ही कार्बन डाइऑक्साइड करेगा लिक्विड, उसके बाद और प्रेशर रिमूव किया जाता है, एंड दिस डिक्रीज द प्रेशर, दिस लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड अगेन कन्वर्टेड इनटू गैस, एंड क्लोथ आर इंस्टेंटली ड्राई, हमारे क्लोथ ड्राई हो जाते हैं, एंड दिस गैस प्यूरिफाइड एंड रीयूज, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस था उसको हम और क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एंड इन दिस वे आवर क्लोथ आर क्लीन ब्राइट एंड ओडर फ्री। ओके ऐसे ही जो लिक्विड है ये मॉडर्न इको फ्रेंडली ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है। देन प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। अब व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय प्रिपरेशन ऑफ फूड, जो प्लांट तैयार करते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं। देखो हमारे घर में जैसे किचन होता है ना, प्लांट के पास भी किचन होता है। अब किचन मतलब ऐसा नहीं है, तो देखो किचन क्या है, तो जहां जहां प्लांट के पार्ट में जहां जहां आप लोगों को ग्रीन पार्ट दिखेगा ना, वहां वहां फूड बनना चालू हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किचन वगैरह नहीं होता, वो पार्ट होता है। ओके तो देखो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है, तो ग्रीन कलर की पिगमेंट जरूरी है जो लीफ में होती है, एंड दिस पिगमेंट दिस इज कॉल्ड एज द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का कलर कौन सा होता है, ग्रीन, और विच इज यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड दैट्स वाई क्लोरोफिल कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस क्लोरोफिल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट एब्सॉर्ब द सनलाइट फ्रॉम दिस सन, इसका काम है कि सनलाइट से जो सनलाइट आ रहा है सन से उसको क्या करना, एब्सॉर्ब करना। अभी देयर आर टू रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट वन इज वाटर, तो ये वाटर प्लांट में कैसा जाएगा, थ्रू रूट, दैट मीन्स टू रूट एब्सॉर्ब्स द वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसफर टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। देन दूसरा वाला जो रॉ मटेरियल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड विच एंटर थ्रू द स्टोमेटा ऑफ दिस लीव्स। अभी ये स्टोमेटा क्या है, जैसे हमारे घर में देखो जैसे विंडोज होती है, वैसे ही प्लांट में छोटे छोटे प्लांट के लीफ के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्टोमेटा। स्टोमेटा इज नथिंग बट अ टाइनी पोर विच आर प्रेजेंट ऑन दिस लीफ। अभी क्या होगा, देखो रॉ मटेरियल भी चला गया, क्लोरोफिल ने सनलाइट एब्सॉर्ब भी कर ली, उसके बाद यहाँ रिएक्शन होती है जो हम 10th में डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अभी इसमें का कन्वर्शन देखो, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इसका क्या होता है, अभी रिएक्शन होता है और ऑक्सीजन रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, जिसका हम यूज करते हैं, एंड इन दिस वे प्लांट मेक देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, उसको बोला जाता है, जिसका यूज वो अपनी ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए करते हैं। ओके अभी रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, ये जो है ना तुम लोगों ने ये चीज देखी होंगी। ओके चलो इसके बारे में देखते हैं, दिस वन इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस फायर एक्सटिंग्विशर। इसके नीचे वाले जो पोर्शन में होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके
एंड दिस वन इज अ ग्लास ट्यूब विच कंटेन डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. अभी ये वर्क कैसे करता है, दिस कैप्सूल ब्रेक ऑन प्रेशरिंग द नॉब. अगर इसको इस नॉब को हमने दबाया तो जो कैप्सूल है ग्लास की वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है. और दैट्स वाई दिस सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट कम इन कॉन्टैक्ट एंड टू प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड. और उसी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो आग बुझाने में के काम में आता है. अभी जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, दिस वन इज द केमिकल रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, और ये रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के लिए काम में आता है. दिस कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर डू नॉट कॉज करोजन. मतलब ये करोड नहीं होने देता एज वेल एज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. ये कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर है ना, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करता. और दैट्स व्हाई दिस वन इज यूज्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कैच फायर. मतलब अगर हमने हमारे घर में एक ही टाइम में बहुत सारे लोड मतलब हाई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाले इक्विपमेंट लगा दिए, जैसे ओवन है, मिक्सर है, मोटर है, एसी है, ये लगा दिए तो क्या होगा, लोड बढ़ जाएगा और शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है. मतलब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से अगर आग लग जाती है तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बेस फायर एक्सटिंग्विशर का क्या किया जाता है, वहाँ यूज किया जाता है. दिस कार्बन डाइऑक्साइड बेस फायर एक्सटिंग्विशर्स आर यूज ऑन स्मॉल स्केल फायर. मतलब जहाँ आग लगी है, लेकिन कितनी रेंज दी है, 10 to 14 feet तक अगर आग लगी है तो वहाँ इसका यूज किया जाता है. इन मॉडर्न फायर एक्सटिंग्विशर्स लिक्विड एंड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज फिल अंडर प्रेशर. मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ना, वो जो मॉडर्न फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसको, उसमें हाई प्रेशर से जो गैस होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है. ओके, एंड दिस वन इज द ब्लैक लेबल. अब ये ब्लैक लेबल क्या है, तो डिफरेंट लेबल होते हैं तो हम आगे देखते हैं. ओके, अभी ऑन रिड्यूसिंग द प्रेशर, जब उसका प्रेशर कम हो जाएगा इट बिकम गैसियस फॉर्म एंड गेट रिलीज फ्रॉम दिस हॉर्न लाइक हॉस पाइप. इस हॉस पाइप से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है. अब कलर देखो डिफरेंट डिफरेंट होता है, उसका यूज भी कहाँ का होता है ये भी हम देखते हैं. जैसे वाटर वाइड बैंड रहेगा, देखो यहाँ तुम लोगों को वाइड बैंड दिख रहा है, तो इस फायर एक्सटिंग्विशर में वाटर फिल हुआ होता है जो कहाँ पे यूज किया जाएगा, जैसे वुड, क्लोथ, कोल, प्लास्टिक से अगर आग लग गई है तो वहां यूज किया जाएगा. दूसरा है फोम, जिसके ऊपर ये वाइट बैंड रहता है, तो ये काय के लिए यूज किया जाता है, फॉर लिक्विड फायर के लिए. पाउडर के फॉर्म में भी होता है, मतलब इस फायर एक्सटिंग्विशर में पाउडर रहेगा जिसका जेको ब्लू लेबल है उसके ऊपर. दिस वन इज यूज फॉर लिक्विड एंड इलेक्ट्रिकल फायर के लिए, लिक्विड मतलब ऑयल वगैरह से. ओके, देन कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैंड होता है ना, ये ब्लैक बैंड होता है, विच आर यूज फॉर लिक्विड एंड इलेक्ट्रिकल फायर. एंड वेट केमिकल भी होता है जिसका येलो बैंड होता है, एंड दिस वन इज यूज फॉर अगर कुकिंग ऑयल से या फैट से अगर आग लग गई तो ये इसका यूज किया जाता है. मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर हमें क्या बताते हैं कि इसके अंदर कौन सा मटेरियल है और किस चीज के लिए इसका यूज किया जाता है. अभी कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन में क्या है कि हमें फायर एक्सटिंग्विशर से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें चाहिए. ओके, तो ये आप लोगों ने अभी मैंने बताया तुम लोगों को कि आप लोगों ने देखा है इसका यूज भी किया जाता है. तो दिस वन इज नॉन फ्लेमेबल कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जलने में मदद नहीं करता, तो ये बुझाता है. ओके, अगर आग लग गई तो ये क्या करता है, बुझाने का काम करता है. कैसे, तो जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है ना, उस ऑक्सीजन को कट कर देता है, मतलब वो आग के पास आने नहीं देता. ओके, दैट मीन्स दिस वन इज नॉन फ्लेमेबल होता है. इसको इसके अंदर सिलेंडर में भरा जाता है विद हाई प्रेशर से. एंड कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर आर रेड. और इसका कलर कैसा होता है, रेड कलर का, ये आप लोगों ने देखा है. साइज भी डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो 5 to 14 kilograms और उससे भी लार्ज होती है. दिस कार्बन डाइऑक्साइड आर डिजाइन फॉर इलेक्ट्रिकल फायर ओनली. सिर्फ इलेक्ट्रिकल फायर के लिए इसका यूज किया जाता है. जब अगर आग लग गई और इसके ऊपर हमने कार्बन डाइऑक्साइड का स्प्रे कर दिया तो आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है. एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर्स वर्क
by taking away the oxygen of the fire and all carbon dioxide extinguishers recharge every 5 years. जैसे हम हमारे मोबाइल लैपटॉप को चार्ज करते हैं ना, वैसे ये एक्सटिंग्विशर को आफ्टर 5 ईयर क्या करना पड़ता है, रिचार्ज करना, मतलब उसके अंदर वो जो होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड फिल करना पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मीथेन के बारे में। ओके, ये मीथेन क्या है, इसका यूज क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, दिखता कैसा है, या भी इसके बारे में हम क्या करेंगे पढ़ेंगे। ओके, तो आप लोगों ने जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उन आप लोगों का शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट।